ऑल जस्ट वांटेड टू शेयर अ क्विक अपडेट. आज मैं अपना हेल्थ कार्ड लेने गई थी और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कनाडा में हेल्थ फैसिलिटीज़ जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो सारी फ्री हैं, बट ये तभी मिलेगी जब आपके पास जो आपका हेल्थ कार्ड है वो अवेलेबल है एक्चुअली. सो अभी जब आप यहाँ आते हैं देन यू हैव टू टेक अपॉइंटमेंट जो ऑनलाइन हो जाता है. आपको ऑन्टारियो के जिस प्रोविंस में हैं आप वहाँ के रजिस्ट्रेशन बोर्ड पे जाके ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है और देन यू हैव टू गो देयर टू द ऑफिस विद सर्टेन डॉक्यूमेंट्स. आई केम फॉर अ वॉक. ये मैपल ट्री का एक जंगल है छोटा सा जहाँ पे हम वॉक करते हैं. खैर सो आपको वहाँ जाना होता है. डॉक्यूमेंट्स आर वेरी सिंपल. आपको अपना एक जो रेंटल एग्रीमेंट है जो आपका यहाँ का लोकल यू नो एड्रेस प्रूफ होगा, आपका पासपोर्ट जिस पे वीजा की स्टैम्पिंग है, यस बस ये दोनों चीज़ें लेके जानी होती है. और डेफिनेटली जो आपका प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको अपना जो वर्क परमिट, बिकॉज वी आर ऑन वर्क परमिट, तो वो लेकर जाना होगा. एंड उसको भी अपना एक आईडी प्रूफ कैरी करना पड़ेगा. दैट वाज अ पासपोर्ट फॉर मी सो जो मेरा एक्चुअली मेरे हस्बैंड का था. सो वी जस्ट वेंट देयर. टाइम पे होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत पंक्चुअल है और अगर टाइम पे नहीं होंगे देन यू हैव टू गेट द बैक सीट और आपका सबका फिनिश होने के बाद नंबर दिया जाएगा. सो यू हैव टू बी पंक्चुअल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट. वहाँ पे जो प्रोसेस था बहुत ही स्मूथ था. वहाँ पे हमें एक टोकन दिया गया जो हमेशा होता है, वो टोकन नंबर आने के बाद जो विद इन 5 मिनट्स आ गया. और आने के बाद उन्होंने हमें बुलाया, मुझे बुलाया बेसिकली. दो फॉर्म दिए थे जिसको हमने फिल कर लिया. बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन थे, आप यहाँ कब आएँ, कहाँ से आएँ वहाँ का एड्रेस, आप यहाँ कहाँ रह रहे हैं, एंड बस बेसिक कुछ थे यहाँ का लोकल फ़ोन नंबर जो भी था वो सब था. एंड आफ्टर दैट जो वहाँ पे इन पर्सन आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आई थिंक 5 क्वेश्चंस दे आस्क मी. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन थे अगेन कि उसमें आप यहाँ कब आएँ, आप यहाँ क्यों आएँ, आपको यहाँ पे कब तक रहना है, और आप हाँ सबसे पहले दे आस्क योर लैंग्वेज प्रेफरेंस फॉर श्योर कि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं या नहीं है. इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश दैट्स इनफ फॉर देम. सो उसके बाद उन्होंने मुझे 2-3 चीज़ें बताई जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आने वाले 6 मंथ्स तक आई कांट लीव दिस प्रोविंस, तो मुझे इस प्रोविंस में ही रहना है. आई कांट शिफ्ट वेदर ड्यू टू माई जॉब और यू नो एड्रेस, मतलब घर चेंज किया है, हम इस प्रोविंस को नहीं छोड़ सकते हैं. पहली बात. दूसरी जो बहुत ही अच्छी बात थी और जो लिटरली हर कंट्री को फॉलो करना चाहिए, अबाउट ऑर्गन डोनेशन. उन्होंने मुझसे साफ साफ पूछा कि अगर इन केस यहाँ कुछ होता है एंड आपके ऑर्गन्स हमें चाहिए होंगे डेफिनेटली आफ्टर माय डेथ, सो क्या आप उसके लिए रेडी हैं विथ फ्रैक्शन. यू नो मैंने एक सेकेंड भी नहीं लिया एंड आई सेड येस ऑफ कोर्स. मैंने कहा डेफिनेटली मैं इंडिया में ये करना चाहती थी और अगर इंडिया मेरे ऑर्गन यूज़ हों तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, बट इफ़ एट ऑल आई एम हेयर आई बी वेरी हैप्पी टू गिव. तो उन्होंने दूसरा जो मैं से क्वेश्चन किया, आप अपने ऑर्गन को किसी और को डोनेट करना चाहेंगे या फिर रिसर्च के लिए यूज़ करवाना चाहेंगे, तो अगेन आई सेड कि अगर रिसर्च के लिए होगा तो भी ठीक है, बट आई रियली वॉन्ट टू गिव टू समवन एल्स जिसको मेरे ऑर्गन की वजह से एक नया लाइफ मिलेगा, सो आई प्रेफर दैट. और फिर उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा जो इससे रिलेटेड था कि कौन कौन से ऑर्गन्स आप देना चाहेंगे. मैंने कहा जो सारा यूज़ में आ सकता है, एवरीथिंग. सो दे यू नो ही वॉज वेरी हैप्पी विद दैट क्योंकि मुझे लगा ऐसा कि सारे लोग शायद ऐसा नहीं बोलते होंगे और मे बी वो सबके साथ ऐसे ही खुश होते होंगे. तो उन्होंने मेरे से पूछा कि हाउ डू यू नो मच अबाउट, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड थी इसमें. तो मैंने उनको बताया कि आई वॉज वर्किंग एज अ ट्रांसप्लांट डाइटिशियन और मैंने देखा है ऑर्गन का कितना इंपॉर्टेंस है. तो इसके बाद तो ही वॉज वेरी हैप्पी विथ मी द पर्सन. वो बहुत खुशी खुशी, मेरा सारा काम तो ऐसे भी जल्दी होता था तो उन्होंने सारा काम कर दिया. एंड उन्होंने हमें एक नंबर दिया और ये भी बताया कि जो कार्ड है हमारा वो बेसिकली हमारे एड्रेस पे डिलीवर होगा, बट ये नंबर ही हमारा नंबर है जिसके सहारे हम कहीं पे भी जाके अपना कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं. एक जो सबसे ज़रूरी बात है कि डेंटल जो है वो एक्सक्लूडेड है. तो डेंटल यहाँ पे कुछ भी आप कराएंगे, वेदर इट्स रियली इंपॉर्टेंट, रूट कैनल हो, कुछ भी हो, वो कॉस्मेटिक के अंडर आता है. तो आपका डेंटल बहुत एक्सपेंसिव है. तो इनकेस इफ़ यू वॉन्ट टू कम टू कैनेडा और आपके दांतों में कोई भी तकलीफ है तो बेटर है आप सेटल करवा के आए, वरना यहाँ पे बहुत खर्चीला है वो. एक है कि चिल्ड्रन का शायद ये इंक्लूडेड है, बट आई एम नॉट एट ऑल 100% कन्फर्म. ये जब मुझे पता चलेगा आई डेफिनेटली अपडेट. और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं डू पुट इन द कमेंट सेक्शन. और तब तक के लिए डेफिनेटली लाइक सब्सक्राइब जो भी करना है करें, इफ़ एट ऑल यू फील कि इन्फॉर्मेशन अच्छी है और आपको किसी तरह से हेल्प करेंगी. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच. ये मैपल ट्री का एक जंगल है जहाँ हम नॉर्मली वॉक करते हैं. बहुत ही काम पीछे पार्क एरिया है और ऐसे आप जाएंगे. I'll turn my camera if at all. No, I can't. तो ये घर तक जाता है. सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ. बाय बाय श्रुति. एंड प्लीज़ 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 कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अगर आप कुछ भी जानना चाहते हैं. जैसे जैसे मुझे यहाँ के बारे में पता चलेगा आई विल यू नो आई विल लविंग टू
share the same information with all. Thank you so much. Bye-bye.